हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज दुनिया में अगर सबसे ताकतवर कोई है तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है इंसान का। वर्तमान में दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे जैसे मानव मस्तिष्क या तकनीक को हरा सके। हमारे जैसे इंसानों के पास पूरी दुनिया में सबसे विकसित दिमाग है, जो दुनिया में और किसी के पास नहीं है। इसके कारण मनुष्य अपने आसपास की प्रकृति और हर चीज को देखते हुए कोई भी कार्य कर सकता है। आज के समय में मनुष्य की बुद्धि केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। हम लगातार पृथ्वी और हमारे सौरमंडल और हमारे ब्रह्मांड के आसपास के विभिन्न ग्रहों के बारे में जान रहे हैं, और हमारे शोध से पता चला है कि हमारे ब्रह्मांड में मनुष्यों की तुलना में अधिक बुद्धिमान कुछ भी नहीं है। अगर है तो वो हमसे बहुत दूर है। लेकिन इंसानों की इतनी बुद्धिमानी देखकर ये सवाल उठता है कि इंसानों का जन्म धरती पर कैसे हुआ और कैसे पहली बार इंसान का जन्म हुआ। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि धरती पर सबसे पहला इंसान का जन्म कैसे हुआ। आपको पता ही होगा कि हम इंसान पहले इस धरती पर नहीं आए थे। अगर ऐसा होता तो हम डायनासोर के साथ कैसे रहते जब वे पृथ्वी पर जीवित थे। क्योंकि अगर डायनासोर होते तो इंसानों के लिए पृथ्वी पर अच्छी तरह से रहना असंभव होता। और अगर डायनासोर के समय इंसान होते तो इंसान भी डायनासोर की तरह धरती से विलुप्त हो जाते। और इससे साबित होता है कि हम इंसान डायनासोर के विलुप्त होने के बाद ही इस दुनिया में आए। लेकिन इंसान सबसे पहले धरती पर कैसे आए और ये कहाँ से आया, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीव पृथ्वी पर पहले जीवों से एवल्व होकर आए हैं। इसे कहते हैं एवोल्यूशन। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि हमारे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.7 बिलियन वर्ष पूर्व में माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म से हुई थी। यानी ये इतना छोटा था कि हम इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते थे। लेकिन बाद में जब एवोल्यूशन होने लगा तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कई परिवर्तन दिखाई देने लगे। वो सिंगल सेलुलर से मल्टी सेलुलर की ओर बढ़ते हैं, जिसके फलस्वरूप अनेक जटिल संरचनाएं बनने लगती है। और समय के साथ ये पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है। इनमें से कुछ पानी में ही रह गए और कुछ धीरे धीरे पानी से बाहर निकलकर जमीन पर बस गए। फिर कुछ हजार मिलियन वर्षों से विकास जारी रहा और डायनासोर जैसे बड़े जानवर प्रकट हुए। और ये भी कहा जाता है कि मनुष्य का विकास डायनासोर की प्रजाति के विलुप्त होने के बाद धरती पर आया। आइए गहराई में जाकर इस मामले को जानने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि आज से 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड टकराया था, और पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड का प्रभाव बहुत भयानक था। इसके फलस्वरूप पृथ्वी की प्रकृति लगभग समाप्त हो चुकी थी। पृथ्वी का इकोसिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो गया था। पृथ्वी के भीतर समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें पैदा हुई थी, जिसने पूरी दुनिया को डुबो दिया था। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि उस समय एस्ट्रॉइड के टकराने से पृथ्वी पर अधिकांश ज्वालामुखी फट गए थे। पृथ्वी पर इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप मास एक्सटेंशन विस्तार हुआ था, जिससे डायनासोर की प्रजाति विलुप्त हो गई, और इसके साथ पृथ्वी पर अन्य सरीसृपों का विनाश हो गया। ये भी अनुमान लगाया गया है कि लगभग 75% फ्लोरा और फौना नष्ट हो गया था। इस वजह से पृथ्वी पर कई प्रजातियों का जगह खाली हो गया था और पृथ्वी के इकोसिस्टम का संतुलन भी बिगड़ने लगा। इसलिए दुनिया को नई प्रजातियों की बहुत जरूरत थी। इसलिए धरती पर मैमल्स आने लगे, और करीब 10 मिलियन साल बाद इन मैमल्स की प्रजातियां धरती पर बढ़ी। इनमें से एक प्राइमेट थे जो बंदरों की तरह दिखते थे। फिर इन प्राइमेट्स में कुछ परिवर्तन हुए, क्योंकि ये प्राइमेट्स दो अलग अलग समूहों में विभाजित हो गए। इनमें से एक था स्टेप्सिराइन्स, उनमें किसी भी गंध को समझने की शक्ति अधिक थी, और दूसरा हैप्लोरिन था, इनमें देखने की शक्ति अधिक थी। ये दो जीव मनुष्य के दो स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर 20 मिलियन साल बाद प्रोकोंसुल नाम की एक प्रजाति सामने आई। वे बंदरों की तरह दिखते थे, लेकिन उनमें इंसानों जैसी शारीरिक संरचना में सुधार होने लगा। ऐसा माना जाता है कि वे हमेशा काफी बड़े दिखते थे, और इनका वजन करीब 100 पाउंड था, और इनकी पूंछ नहीं थी। और जब वे विकसित होने लगे तो गोरिल्ला जैसे जीवों का निर्माण शुरू होने लगे। और आप जानते हैं, फिर करीब 7 मिलियन साल बाद चिंपांजी का निर्माण हुआ, और इसे हमारा सबसे पहला पूर्वज माना जाता है। तब ऑर्डिपिथेकस नामक जीव का अस्तित्व शुरू हुआ, और वे पेड़ों में रहते थे। वे दो पैरों पर चलने वाले पहले प्राणी थे। तब ऑस्ट्रेलोपिथेकस लगभग 4 मिलियन वर्ष बाद ऑर्डिपिथेकस से एवाल हुआ, और वे लगभग इंसानों जैसे दिखते थे। वो पहले जीव थे जिनके पैर आगे की ओर मुड़े हुए थे। नतीजतन वे दो पैरों पर बहुत आसानी से चल सकते थे, और तब वे पत्थर की कुछ भी चीजें बनाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते थे।
और बाद में वो भी दो समूहों में विभाजित हो गए। इनमें पहले समूह के जबड़े काफी बड़े थे और दूसरे समूह के दिमाग का आकार काफी बड़ा था। इनमें से बड़े मस्तिष्क आकार वाले लोगों ने प्रगति की ओर विकसित होने लगा। इस प्रकार एक और नए प्रजाति का जन्म हुआ जिसे होमो नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यही से मानव इतिहास का निर्माण हुआ। इस होमो जीनस का पहला सदस्य होमो हैबिलिस था, जिसे हैंडीमैन नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे पत्थर की बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। फिर लगभग 1.8 मिलियन वर्ष पहले होमो इरेक्टस प्रकट हुआ। उनके पैर बहुत लंबे थे और हाथ थोड़े छोटे, जो वर्तमान मनुष्य के समान था। और फिर वे पेड़ों से हटकर जमीन पर रहने लगते हैं। इनके दिमाग का आकार बहुत बड़ा था, लेकिन बाद में वे अफ्रीका से बाहर चले गए, इसलिए वे दुनिया में अलग अलग जगहों पर रहने लगे। इसलिए यहाँ से ये कहना कठिन है कि इनमें से किस समूह से आधुनिक लोगों का निर्माण हुआ, क्योंकि ये कई जगहों पर फैले हुए थे। फिर होमो सापियंस करीब 3 लाख साल पहले धरती पर आए। उनके दिमाग का आकार पहले से ज्यादा विकसित था और वे काफी क्रिएटिव थे, जिसके कारण उनसे पहले के नियंडरथल कम बुद्धिमान होने के कारण पृथ्वी से दूर चले गए और ये होमो सापियंस उनकी जगह ले लेता है। उस समय होमो सापियंस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी था, जो पत्थर के आधुनिक औजारों से आसानी से अपने शिकार का शिकार करते थे। इसके अलावा होमो सापियंस अपनी क्रिएटिविटी के बदौलत अपने आसपास के माहौल को आसानी से समझ सकते थे और दूसरे जानवरों से खुद को बचा सकते थे। होमो सापियंस की रचनात्मकता और होमो सापियंस ने अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए समय के साथ साथ काम करना जारी रखा। समय के साथ होमो सापियंस ने जानवरों का शिकार करने के अलावा शाकाहारी भोजन खाना शुरू कर दिया और उन्हें खेती के बारे में विचार आने लगे। किसी वो पहला कदम था जो आज के उन्नत मनुष्य को उन्नत बनाने में सक्षम बनाया। उसके बाद हम होमो सापियंस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब हम विज्ञान और अपनी तकनीक में और आगे बढ़ रहे हैं। अब हम इतने उन्नत हो चुके हैं कि हम अपने जीवन का आनंद स्वयं उठा सकते हैं और तकनीकी प्रगति हर दिन नए उपकरणों के विकास के साथ हमारे जीवन को आसान बना रही है। उम्मीद है कि आप इस रहस्य को समझ गए होंगे कि सबसे पहले इंसान धरती पर कैसे आए और कहां से आए। आज भी हमें इस बात के कई प्रमाण मिलते हैं कि मानव का विकास कैसे हुआ। हमारे पूर्वजों के कई ऐसे जीवाश्म मिले हैं जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितने बड़े थे और अनुमान लगाया जाता है कि वह कैसे दिखते थे। साथ ही इस बात के प्रमाण भी मिलते हैं कि उन्होंने पत्थर के औजारों का इस्तेमाल कैसे किया। तो ये समझ में आता है कि हमारा मनुष्य का जन्म वास्तव में किसी एक मनुष्य से नहीं हुआ था, बल्कि आज जो मानव भौतिक संरचना और बुद्धिमत्ता उनके पास है, वो पृथ्वी पर लाखों करोड़ों वर्षों के एवोल्यूशन का परिणाम है और ये जारी रहेगा। और हो सकता है कि भविष्य की मानव सभ्यता वर्तमान से अधिक उन्नत और बुद्धिमान हो। तो आप लोगों को कैसा लगा? अपनी प्रजाति के निर्माण के बारे में जानना किसे अच्छा नहीं लगता? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।